नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फेवरेट फार्मिंग में, और लेके आए हैं किसान भाइयों के लिए कमाल की जानकारी। दोस्तों आज हम आए हैं गांव भोसवाल, जो कि जिला फतेहाबाद हरियाणा में रिटायरमेंट के बाद अब ये 12 एकड़ में मल्टीलेयर फार्मिंग कर रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट की खेती भी कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में। सर 3 साल से ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं, इनके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है सारा कुछ बताएंगे, और कहाँ इसकी मार्केट है, कौन कौन सी बीमारियाँ हैं, कौन सी वैरायटी आपको लगानी चाहिए अपने एरिया में। तो चलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं, और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। शर्मा जी हमें ये बताइए ड्रैगन फ्रूट के बारे में बताइए, आपके दिमाग में कैसे आइडिया आया आपके यहाँ? पहले तो हमें ये बताइए जो दादा लाई मतलब पुरखों की खेती है वो कौन कौन सी है, मेन खेती जो सभी करते हैं? हमारे जो यहाँ पे ज़्यादातर धान वगैरह और गेहूं वगैरह यही ज़्यादा होता है यहाँ आपके यहाँ तो एरिया में गन्ना भी नहीं होता। हाँ यहाँ पे पानी बहुत नीचे चला गया, तो मैंने सोचा कि थोड़ा अलग से हो तो फ़ायदा हो जाएगा। तो मैंने इसलिए ड्रैगन फ्रूट मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा था कि फोन कंट्री वगैरह में होता है, तो गुजरात वगैरह में सुना था, तो मैंने सोचा क्यों ना इधर भी लगाया जाए। तो मैंने इसकी थोड़े से पहले शुरुआत की कि थोड़े से पौधे लगा के कि यहाँ पे मौसम सूट करता कि नहीं करता। पहले मैंने बाहर लगाया, बाहर कामयाब नहीं हुआ, फिर मैंने इसके नेट हाउस के अंदर लगाया। अच्छा, तो उधर मेरा अच्छा काफ़ी फ्रूट अच्छा। बाहर क्या प्रॉब्लम आई थी? बाहर उधर गर्मी कई बार ज़्यादा हो जाती है। अच्छा। और सर्दी ज़्यादा हो जाती है। पाले से भी दिक्कत होती है क्या? हाँ, इसको पाले से भी दिक्कत हो जाती है, और ज़्यादा गर्मी हो तब भी दिक्कत हो जाती है। किसान भाइयों क्या कहना चाहेंगे जो ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग करने की सोच रहे हैं, तो मतलब पॉली हाउस में लगाना चाहिए क्या खुले में? इनको खुले में लगाने, पॉली हाउस में तो वैसे फ्रूट नहीं आता है, उसको ओपन करना पड़ता है बस। अच्छा। उसको यानी कि छाया यानी कि ठंड से भी बचाना और धूप ज़्यादा धूप से भी बचाना है बस मेन है। बाहर भी लगा सकते हैं लेकिन इसको ज़्यादा पानी से और धूप से और अपना ठंड से। अच्छा, मतलब पानी की मात्रा इसको कम ही चाहिए? हाँ, इसको पानी आप 15-20 दिन भी ना दो तब भी ये ख़त्म नहीं होता पौधा, और इसको पानी ज़्यादा मिल गया तो ये ख़त्म है। अच्छा शर्मा जी हमें आप ये बताइए ड्रैगन फ्रूट की अगर खेती कोई करना चाहता है, 1 एकड़ के हिसाब से मान लेते हैं, क्या खर्चा आ जाएगा? इसका कॉस्टली बहुत ज़्यादा है कि हर आदमी इसको लगाने से पहले इतना रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि इसके ऊपर मिनिमम अगर आप एक पौध कितने की पड़ती है पहले ये बता दें। ये पौध तो अपने पास हमने लगाई हुई है, तो हम तो ये इतने में अगर कोई जैसे अलग है एक पौधा लेना है उनके लिए अलग रेट है, और जो इकट्ठे लेंगे उनके लिए अलग से। जी हमें ये बताइए 1 एकड़ में पोल कितने लगते हैं और ड्रैगन फ्रूट कितने लगते हैं? ये तो आपके उसके ऊपर है कि आप बजट के हिसाब से कितना बजट है उस हिसाब से आप लगा सकते हो, 350 से लेके 550 तक भी लगा सकते हो। अच्छा, बात करें खर्चे की लगभग करके बता दो कितना खर्चा। अगर आप बढ़िया वाले पोल लगाते हो, जैसे एक तो अपा खुद तेरा करवाएं बढ़िया, तो वो तो कम से कम 4-5-6 लाख तक भी जा सकता है इसका कॉस्ट। मतलब थोड़ी महंगी खेती है। हाँ, महंगी खेती है थोड़ा इसके लिए, और रिस्क तो इतना मैं नहीं कह सकता, अगर आदमी रिस्क नहीं है पर महंगी। हाँ, महंगी खेती है, थोड़ा कॉस्टली है ये, ऐसे महंगा फल भी बिकता है, लेकिन इसका फ्रूट उतना महंगा भी है, और इतने इसमें इतने ज़्यादा गुण है कि जो आजकल जो आप गूगल पे इसको सर्च मार के देख सकते हैं कि कीवी से भी काफ़ी ज़्यादा इसमें, जो कीवी में नहीं मिलते वो इसमें, जैसे कई ओमेगा 3 भी हमने जैसे गूगल पे सर्च मार के देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ है, तो इसमें ओमेगा 9 ओमेगा 3 और ऐसे कई मिनरल जो एक और शुगर वगैरह के लिए बता रहे हैं, कैंसर के लिए भी बता रहे हैं। बेनिफिट तो बहुत काफ़ी है इनकी, इस पर मैंने गूगल पे सर्च मारा था तो मैंने देखा था इसमें 17 बेनिफिट लिख रखे हैं। अच्छा सर हमें आप ये बताइए इसमें कौन कौन सी वैरायटी आती है, और आपने कौन सी वैरायटी लगाई है, और कौन सी किसान भाइयों को लगानी चाहिए अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से? इसमें ड्रैगन फ्रूट में वैरायटी अपने और एक तो आती है येलो में जी, येलो एक होती है वाइट में जी, और एक ही आती है रेड में। तो आपने रेड लगाई है? हाँ, रेड लगाई हुई है। तो ये रेड वैरायटी एक तो खाने में सबसे टेस्टी है। अच्छा। और देखने में एक तो ऐसे लगता है कि इसको बहुत प्यारी लगती है, और खाने में बच्चे बड़े आराम से टेस्टी है और खाते हैं इसको। अच्छा, अच्छा, और जो ये वाइट और येलो वाली है इसमें टेस्ट नहीं होता, इसलिए इसको थोड़ा आजकल दुनिया टेस्ट भी ढूंढती है थोड़ा। अच्छा, मुझे आप ये बताओ इन्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग लगाना पड़ता है क्या इसको? हाँ, इन्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा देखना पड़ता है कि ज़्यादा गर्मी हो जाए तो उस हिसाब से मैं तो फिर इसमें नेट हाउस में फुहारे वगैरह भी चला देता हूँ अगर ज़्यादा गर्मी हो जाए, अगर ज़्यादा ठंड पड़े तो उसके लिए पर्दा कर देता हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं बीमारियों की, कौन सी बीमारी महत्वपूर्ण है इसमें जो आती है उसका ध्यान? इसमें थोड़ा सा फंगीसाइड की दिक्कत आती है, बाकी इसमें कोई बीमारी नहीं आती है, कोई स्प्रे नहीं करनी पड़ती अभी तक तो मैंने। जंगली जानवर नुकसान नहीं करते? हाँ, ये सबसे बड़ी बात इसमें है, इस फ्रूट में ना तो कोई स्प्रे करनी पड़ती है, और ये सबसे बड़ी बात है कि एक ऑर्गेनिक तरीके से आप मानो कि ये बिल्कुल आपको ऑर्गेनिक तरीके से है ये। अच्छा, चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी मार्केटिंग की, उगा भी लिया तैयार भी कर लिया, तो मार्केट कैसे है, कैसी है इसकी मार्केटिंग? तक मार्केटिंग तो अभी देखो ये बड़े बड़े शहरों में बिकता है, क्योंकि ये महंगा कॉस्टली बहुत
होता है। कितना कॉस्टली एक फल की क्या कीमत है? एक फल की कीमत यह तो देखो, जैसे ये 500-600 रुपए किलो भी बिकता है, अगर एक फ्रूट की कीमत लगाए तो 100-120 रुपए भी जाता है। लेकिन फिलहाल छोटी सिटी में ये मिलता नहीं है, तो बड़े उसमें मार्केटिंग दिल्ली में जाता है, दिल्ली में जाया जाता है। अच्छा, अब बात करें प्रोडक्शन की, एक एकड़ के हिसाब से एक बार में कितना फल दे देता है और कितनी अवधि में फलाना स्टार्ट हो जाते हैं इसमें? ये स्टार्टिंग में तो 1.5 साल बाद, अगर उस जमीन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसी है जी। 1.5 साल के तकरीबन आपने इधर लगाया तो 1.5 साल में इसने फ्रूटिंग देनी शुरू कर दी थी। तो क्या प्रोडक्शन आई थी शुरू में एक एकड़ के हिसाब से? एक एकड़ के हिसाब से तो अभी इसका, क्योंकि शुरू में इतना फ्रूटिंग नहीं आती है जब तक इसका पूरा पौध नहीं बन पाएगा या फ्लावर नहीं होगा, दूसरे साल या तीसरे साल आती है। हाँ, इसकी तीसरे साल तक मैक्सिमम वो आती है। अच्छा शर्मा जी, इसकी लाइफ क्या है, कितने साल में दोबारा बदलना पड़ेगा? ये इसकी लाइफ काफ़ी लंबी है, एक बार आपने पैसा लगा दिया तो सुनने में तो यह है कि जैसे 25 साल इसकी एज है। यानी आप 20 से 25 साल मान के भी चलो, तब भी आपका बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। 25 साल बहुत होते हैं, क्योंकि इतना एक बार पैसा लगा के 25 साल तक छुट्टी हो जाएगी, अगर कैलकुलेशन लगाएंगे तो फिर तो सस्ती पड़ती है। हाँ, अगर उसके हिसाब से देखें कि 25-25 साल हमारे को कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा इसकी देख रख रखाव करना है। अच्छा। बस उसी में उसके बाद आपका बेनिफिट ही है, बेनिफिट ठीक है। शर्मा जी, और क्या जानकारी देना चाहेंगे ड्रैगन फ्रूट के बारे में? मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि जो भी इसको भाई लगाना चाहता हो ना, तो उसको खासकर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पानी जहाँ खड़ा होता है उधर ना लगाएं, थोड़ी ऊंची हाइट करके लगाएं इसको। मतलब पानी इसके लिए जहर है सीधी सी बात। हाँ, पानी अगर इसको लगा तो ये खत्म है। हाँ, ये कितने महीने, कितना पानी लगता है इसको, एक साल में कितनी सिंचाई करनी पड़ती है इसकी? ये हम देखो 10-15 दिन में एक आधा लीटर पानी दे दिया उसको, उसी से चल जाता है। अच्छा, अब लास्ट में हमें ये बताएं सर, इसके साथ कोई और भी फार्मिंग कर सकते हैं इसके साथ, मतलब मल्टी लेयर फार्मिंग हो जाती है या अकेले ही लगाना पड़ेगा, इसके बारे में बताओ। नहीं, अगर आप एक चीज़ में ले रहे हो तो आपको इस यही फ्रूटिंग यही करना पड़ेगा आपको, खेती ड्रैगन फ्रूट की करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास स्पेस कम रह जाएगा जी, तो उस वजह से आप थोड़ी जमीन की भी मतलब उर्वरक शक्ति कम हो जाती है दूसरी फार्म। हाँ, दूसरी फार्मिंग करेंगे तो साथ में फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर उसका रख रखाव नहीं हम करते। अच्छा, बात करते हैं ये पौधा आप कहाँ से लाए हैं, लाए थे? ये हमारे को एक यूपी की नर्सरी थी। अच्छा, उन्होंने बताया था तो उन्होंने बोला जी ये बहुत अच्छी है। यूपी में कहाँ की? ये यूपी अपना ही हापुड़, मेरे को ही उसका देखना पड़ेगा। चलो ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर कोई किसान भाई इस वीडियो के माध्यम से आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो आप पौध भी तैयार कर रहे हैं जैसे कि आपने बताया, कितने रुपये की पौध दोगे और एक अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दो। जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9416525048 जी। जिस भाई को भी ये पौध चाहिए तो एक तो अगर इकट्ठी पौध लेते हैं तो हम अपने हिसाब से यानी कि 80-90 जो भी रेट होगा, अगर देखेंगे अगर अच्छा कोई लेना चाह रहा हो तो 70 रुपये तक भी हम बता देंगे। अगर किसी भाई को इसके बारे में जानकारी चाहिए तो हम उसको फ़ोन करके, मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, नंबर दिया है तो मैं उनको बता सकता हूँ। पक्का ध्यान रखिए कि ये ना कि रात को फ़ोन करने लग जाए, तो अगर नहीं उठा पा रहे तो कहीं बिजी हो तो बार बार फ़ोन ना करें। हाँ, व्हाट्सएप कर देना। हाँ, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें या कुछ भी है कि हम इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो हम दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अपना कीमती समय देने।